देवी माँ का चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा है। कुष्मांडा का संस्कृत में अर्थ है कद्दू। कुष्मांडा का अर्थ क्या है? लौकी और कद्दू गोलाकार होते हैं, इसलिए यहाँ इसका संबंध प्राण शक्ति से है, वह प्राण शक्ति जो पूर्ण और गोलाकार है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी और कद्दू का सेवन विशेष रूप से ब्राह्मण और महाज्ञानी लोग ही करते थे, अन्य कोई वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। ये सब्जियां आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती हैं। कहा जाता है कि ये प्राणों को अपने अंदर अवशोषित करती हैं और साथ ही उन्हें फैलाती भी हैं। ये धरती पर सबसे प्राणवान और ऊर्जा देने वाली सब्जियां हैं। जैसे अश्वत्थ वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, वैसे ही लौकी और कद्दू ऊर्जा को ग्रहण कर उसका प्रसार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त एक बड़ी गेंद की तरह है जो गोलाकार कद्दू के समान है। इसमें सभी प्रकार की विविधता पाई जाती है, छोटे से लेकर बड़े तक। कू का अर्थ है छोटा, इश का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। ये बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से बीज हो जाता है। इसी तरह ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्मता और विशालता का गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कुष्मांडा करती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में विद्यमान है। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कद्दू के समान अनुभव करें। इसका तात्पर्य है कि आप अपने आप को ऊंचा उठाइए और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को देवी माँ की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता में समाहित करें। एक कद्दू की तरह अपने जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और पूर्णता का अनुभव करें। साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी जागृत बुद्धिमत्ता का अनुभव करना ही कुष्मांडा है। मां कुष्मांडा की पूजा के लिए मंत्र। नमः का जाप करें। नवरात्र की चतुर्थी को पीले रंग के कपड़े पहने। पीला रंग खुशी और जयकार का प्रतीक है, जो देवी की ऊर्जा को दर्शाता है।